हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ाई करी थी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहला लीनियर मॉडल। और लीनियर मॉडल में हमने देखा था कि क्या होता है, वो वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें क्या करता है, सेंडर रिसीवर्स को क्या मैसेज पहुंचाता है, लेकिन रिसीवर्स की तरफ से कोई भी फीडबैक नहीं आता है। तो ये था जी हमारा लीनियर मॉडल। दूसरा मॉडल था हमारा जी क्या, इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल क्या था जी, इंटरेक्टिव मॉडल वो मॉडल था जहां हम ट्रांजेक्शनल प्लस टेक्नोलॉजी दोनों को यूज करते थे, जैसे जैसे टीवी पे बोलना। नहीं, इस तरह के जो मॉडल्स थे उसको हमने क्या कहा, हमने इंटरेक्टिव मॉडल कहा। और उसके बाद का एक मॉडल था ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजेक्शनल मॉडल जैसे नाम पे आप देख सकते हो क्या हो रहा था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा था, मतलब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। और इस मॉडल में आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा था। नहीं जी, हाँ जी भैया सही बोल रहे हो। और उसी तरह से लीनियर मॉडल में हमने चार पॉइंट्स ऑफ व्यू देखे थे। उस चार में से दो की डिटेल में हमने चर्चा कर रखी थी। पहला था वो जी कौन सा जी, एक तो था आपका अरिस्टोटल मॉडल, और दूसरा जो मॉडल था जी वो सैनन वीवर का मॉडल था। अरिस्टोटल मॉडल में हमने लोगोस, पैथोस, इथोस की बात कर की थी, और सैनन वीवर मॉडल में हमने फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ जी, ये थी जो हमारी लास्ट क्लास की डिटेलिंग। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लीनियर मॉडल का है। वो क्या क्या है जी, आइए देखते हैं। नहीं, हाँ जी देखिएगा जी, ये है एक बर्लो का मॉडल, और एक और मॉडल है जो किससे रिलेटेड है जी, जो रिलेटेड है लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब दो मॉडल्स पे आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं किससे, नोट से, क्योंकि नोट है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं नोट पे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई साहब लीनियर मॉडल पार्ट टू, यानी पार्ट टू मतलब दो मॉडल पहले हमने कर रख रखा था, आज भी दो मॉडल की चर्चा करते हैं। क्या कहता है, कहता है बर्लो का SMCR मॉडल। क्या कहता है जी बर्लो का SMCR मॉडल, कहता है टॉक्स अबाउट सेंडर मैसेज चैनल और रिसीवर। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया। अब ये इस मॉडल में क्या बताया गया है, बोल रहा है इस मॉडल में जब सेंडर किसी चैनल के थ्रू रिसीवर्स को मैसेज भेजता है तो क्या होता है, तो रिसीवर का रिस्पॉन्स ही सेंडर का फीडबैक या मैसेज बन जाता है। क्या हुआ इसका मतलब सर, जैसे देखिए मैं अभी क्या हूं, मैं मान लेता हूं मैं सेंडर हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या किया, मैसेज भेजा तो आप तक पहुंचा, रिसीवर तक। और रिसीवर फिर जब आपको किसी कमेंट्स के थ्रू, मान लेते आपने मुझे कमेंट्स के थ्रू बताया, तो क्या हुआ वही मेरे लिए मैसेज हो गया। उससे ही मेरे को पता चल जाएगा कि भाई साहब मेरी क्लासेस क्या है, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। आप कमेंट्स करोगे कि नहीं सर क्लासेस अच्छे हैं, मैं मान लूंगा क्लास अच्छा है। और आप अगर कमेंट करोगे कि नहीं क्लास बुरा है सर, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं मान लूंगा कि मेरी थोड़ी बहुत क्लास खराब है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, तो ये बर्लो का SMCR मॉडल बस इसी पे बात करता है। नेक्स्ट मॉडल क्या है जी, नेक्स्ट मॉडल जो है वो है लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल। अब देखिए लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है, कहता है सबसे पहले तो डेवलप किसने किया जी, हारोल्ड डी लॉसवेल ने। किसने डेवलप किया, हारोल्ड डी लॉसवेल ने। और इसको कौन कौन से मॉडल के नाम से जाने जाते हैं जी, तो ये भी देखिए, कहता है ऑल्सो नोन एज एक्शन मॉडल। कौन सा मॉडल, एक्शन मॉडल। उसके बाद क्या जी, लीनियर मॉडल के नाम से भी, और वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीन नाम से ये जाना जाता है। और क्या क्या इसका है जी, कह रहा है पब्लिक कम्युनिकेशन मॉडल भी है ये, बिल्कुल। टॉक्स अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, किसकी बात कर रहा है जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहा है। उसके बाद बोला डेवलप टू स्टडी द मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया प्रोपेगेंडा की भी बात ये करता है। चलिए ये थी बेसिक चीजें जो हमारे नोट से आपको आपने देखा। अब चलते हैं हमारे बुक में, वहां से हम कुछ चीजें जो है वो समझेंगे। आइए चलते हैं बुक में, देखिए क्या कहता है, ये देखिए कहता है बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है इन द फेमस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय बर्लोज, क्या बोल रहा है जी, जो फेमस मॉडल है कम्युनिकेशन का बर्लोज के द्वारा, क्या बोल रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रो कम्युनिकेशन इज लेड ऑन द पर्सन सेंडिंग द मैसेज एंड द रिसीवर। क्या बोल रहा है कि किस पर लेड है कम्युनिकेशन, कि एक पर्सन कैसे कम्युनिकेशन को भेज रहा है और रिसीवर कैसे
अडॉप्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है एज पर द मॉडल द प्रॉपरली सॉरी एज पर द मॉडल टू प्रॉपरली डिकोड एंड इनकोड द मैसेज द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी फ्लुएंट। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि अगर आपको सही तरीके से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो सेंडर और रिसीवर दोनों को मैसेज को इनकोड भी करना आना चाहिए और डिकोड भी करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ जी, आप क्या बोल रहे हो सर ये भी हमें पता होना चाहिए और हम भी क्या बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। किस तरह से फ्लुएंट वे में, मतलब सही तरीके से कॉन्फिडेंटली। नहीं हाँ जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। कह रहा है इफ बोथ आर स्किल्ड द कम्युनिकेशन विल बी एट इट्स बेस्ट। बोल रहा है भाई साहब अगर दोनों पर्सन रिसीवर और कौन सेंडर दोनों अगर ट्रेंड होंगे ना, ये कम्युनिकेशन उसकी बेस्ट होगी यानी कि स्किल्ड होगी, तो फिर क्या होगा कम्युनिकेशन एकदम बेस्ट लेवल पे होगा। हाँ जी बिल्कुल। कह रहा है लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम मेंशन बिलो टू द अंडरस्टैंड द मॉडल। अब देखिए एक डायग्राम बनाया है मैंने दिया है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा डायग्राम है, देखिए इसको समझिए क्या कहता है। कहता सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स में, सोर्स कौन, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू एटीट्यूड नॉलेज सोशल सिस्टम एंड कल्चर। फिर आ जाएंगे मैसेज पे, किसे कंटेंट एलिमेंट्स ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर कोड, और फिर चैनल के थ्रू भाई साहब क्या करेंगे, या तो सुनेंगे देखेंगे टच करेंगे स्मेल करेंगे टेस्ट करेंगे। ये भी क्या है, ये भी कम्युनिकेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, अगर हाथ मिला रहा हूं तो क्या है, ये भी कम्युनिकेशन है। अगर मैं ये बाय बाय कर रहा हूँ तो क्या है, कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं सर, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और इसको हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। तो इसमें क्या बात कर रखा है जी, अब देखिए रिसीवर में भी सेम चीजें लिखी है, कम्युनिकेशन स्किल्स एटीट्यूड नॉलेज सोशल सिस्टम एंड कल्चर। क्यों, क्योंकि यहाँ इस मॉडल में बताया गया है कि भाई साहब सेंडर और रिसीवर दोनों क्या है, बहुत ही स्किल्ड हैं, बहुत ही ट्रेंड हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो रही है। अब चलिए जी चलते हैं लॉसवेल मॉडल में। लॉसवेल मॉडल क्या बोल रहा है जी, देखिएगा कह रहा है द लॉसवेल मॉडल हैज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है इसके लिए, लॉसवेल मॉडल का बेसिक फ्रेमवर्क है कम्युनिकेशन का, क्या कहता है, इट सिक्स इंटू आस फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दे आर एज फॉलोस। ये पांच क्वेश्चंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और वो क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला कि किसने कहा, हु सेड, किसने कहा, व्हाट डिड दे से, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, व्हाट वाज द चैनल, किस मीडियम के थ्रू कहा, सोर्स क्या था, हुम डिड दे सी, और किसको कहा, व्हाट वाज द इफेक्ट, और उसके क्या इफेक्ट थे। तो भाई साहब ये तो समझ में नहीं आया सर, ये तो सवाल है, इस सवाल से क्या मतलब है, इस सवाल से ये कहना चाह रहा है ये मॉडल कि भाई साहब आप जब कम्युनिकेट करते हो तो सबसे पहले किसको, कौन, कोई तो होगा ना कहने वाला, कौन कहने वाला है, फिर उसके बाद वो क्या कहने वाला है, और किस मीडियम के थ्रू कहने वाला है, यानी कि जैसे टीवी फोन रेडियो है ना, ब्लॉग, किस मीडियम के थ्रू, जैसे मैं अभी आप यूट्यूब के थ्रू कह रहा हूं तो क्या है, ये एक चैनल हो गया। फिर इसके बाद क्या, होम डिड दे से इट टू, किसे कहने वाले हैं। भाई साहब मैं अगर सेंडर हूं तो मैं तो आपको नेट के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा तो पर्पस क्या है, नेट के बच्चों को क्लियर कराना, नेट नहीं। हाँ जी कहता है व्हाट वर द इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, और इसके इफेक्ट क्या होंगे, आपके रिजल्ट निकलेंगे और क्या होंगे इफेक्ट, नहीं। हाँ जी तो अब आके देखिए कहता आगे क्या लिखता है, कहता है द मॉडल प्रोवाइड्स अ सिंपलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ मैसेज एंड एक्सप्लोरिंग फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट वुड बी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। बोल रहा भाई साहब ये मॉडल क्या है, सिंपलिस्टिक और प्रैक्टिकल मेथड ऑफ एक मैसेज का देता है क्रिटिक का। अब क्या बोल रहा है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक चार्ट मैंने बना रखा है, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको यहां समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या सवाल करेंगे, बोलता है हु कौन है, किसकी बात कर रहा है, कम्युनिकेटर की, कम्युनिकेटर कौन है। फिर वो क्या करता है, कंट्रोल एनालाइज करता है, और एग्जाम्पल क्या है, वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन। जैसे सबसे पहला क्या होगा सवाल कि भाई कौन कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं तो बोल रहा भाई साहब वैक्यूम क्लीनर जो सेल्समैन है वो कम्युनिकेट करने की शुरुआत करने वाला है। ये एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा सेज व्हाट, क्या कहता है वो, कौन है भाई, सेल्समैन है, कौन, वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन, ठीक है। बोलता है क्या कहता है, क्या कहता है कि क्या मतलब हुआ कंपोनेंट, मैसेज, कि क्या मैसेज कहना चाहता है वो। अब ये क्या है, मैसेज में क्या होगा, कंटेंट एनालिसिस,
कंटेंट, कंटेंट मतलब जो वो बोलना चाह रहा है, नहीं, हाँ जी, अब कहता है प्रमोट हिज ब्रांड एज ए बेस्ट ब्रांड, क्या बोला जी, ध्यान से समझिएगा, हु मतलब कौन, कौन क्या, कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर कौन कम्युनिकेट करेगा, तो सेल्समैन, कौन, वैक्यूम क्लीनर वाला। दूसरे बात क्या बोला, सेज व्हाट, क्या कहना चाहता है वो, बोल रहा है क्या है, कंपोनेंट मैसेज है, किसके बारे में कहेगा, कंटेंट एनालिसिस करकेगा, क्या कहेगा कि वो अपना बेस्ट ब्रांड को बेस्ट ब्रांड बताना चाहेगा, कह रहा है इन विच चैनल, किसके थ्रू, कौन से चैनल के थ्रू, मीडियम मतलब ये इन विच चैनल मतलब मीडियम, सोर्स क्या है उसका, कहता है यहां क्या करेगा, यहां ये मीडिया एनालाइज करेगा, मतलब सोर्स एनालिसिस करेगा, बोलेगा कहां कह रहा है ये चीज कि भाई मेरा वैक्यूम क्लीनर बेस्ट ब्रांड है, ये कह कहां रहा है, बोलेगा ये टीवी पे कह रहा है, कहां कह रहा है जी, टीवी पे कह रहा है, बोलेगा किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, ठीक है, तो बोलेगा ऑडियंस से कह रहा है, ठीक है, ऑडियंस, अब यहां कौन सा एनालाइज करेगा, ऑडियंस का एनालाइज करेगा, और फिर क्या बोलेगा, टू इवनिंग टीवी व्यूअर्स इन द यूएस, कहां, किसको कह रहा है जी, यूएस में जो टीवी देख रहे हैं इवनिंग में, उसको कह रहा है, कह रहा है विद व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा उसका, बोल रहा है भाई साहब इफेक्ट क्या होगा, कि कंपोनेंट में क्या होगा, इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट एनालिसिस करेंगे, और इसका एग्जांपल ये वैक्यूम क्लीनर के तौर पर कैसे लेंगे, कहता है अचीविंग ब्रांड अवेयरनेस प्रमोटिंग द बिलीफ दैट इज वैक्यूम लीडिंग टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू। अब इसको ना एक तरीके से समझिएगा, अभी तो मैंने आपको ये लाइन वाइज समझाया, अब एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जो यही एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इस पर्टिकुलर ये क्या क्या बोलते हैं इसको, मॉडल, लॉसल मॉडल का क्या कहना है वो समझिएगा, जैसे वो कह रहा है कि भाई साहब एक सेल्समैन है वैक्यूम क्लीनर का, हाँ बिल्कुल, वो क्या करता है, वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है एज ए बेस्ट ब्रांड, नहीं, हाँ जी, कहां प्रमोट करता है, टेलीविजन पे प्रमोट करता है, और किसको करता है, तो वो कह रहा है कि भाई साहब जो इवनिंग में यूएस में देख रहे हैं टीवी, उसको करता है, और इसका क्या पर्पस है, क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, इस ये प्रमोट करने की वजह से उसका ब्रांड क्या करेगा, अचीव करेगा हाई लेवल वाला ब्रांड, और क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है किसको, वैक्यूम लीडिंग ब्रांड को, जिससे उसका क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, यही तो सिस्टम होते हैं ना, कोई भी सेल्समैन या कोई भी काम करता है तो क्या सिस्टम होता है, ये होता है कि सबसे पहले सेल्समैन बोला भाई मेरा देखो ये टॉप लेवल का ब्रांड है, तुम क्या करो ये लो, अब कहां प्रमोट करेगा, ये कहीं भी कर सकता है, रेडियो टेलीविजन पे, लेकिन यहां क्या है, टेलीविजन, अब उस वो पर्पस देखिए किससे कर रहा है ये डिपेंड करता है, अभी जैसे ये टीवी पे कर रहा था और इवनिंग वाले यूएस के लिए कर रहा था, हो सकता है मैं इस पेन को बेच रहा हूं तो ये मैं इंडिया में कर रहा हूं, और लास्ट में इसका पर्पस क्या हो जाएगा, इसका पर्पस, इसका इफेक्ट यही होगा कि मैं अगर मार्केटिंग कर रहा हूं तो इस पे टॉप सेल्स आएंगे, उससे मेरी रेवेन्यूज बढ़ जाएगी, तो ये क्या है, ये बेसिकली मीडिया बेस्ड मॉडल है ना जी सर, लीजिए जी, तो ये मॉडल हो गया है खत्म, और आज इतना ही मॉडल करते हैं, यही दो मॉडल करके आज अपनी क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि अगला जो मॉडल होगा वो ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्टिव होगा, उसमें दो दो करके अलग है, वो अगली वीडियो में समझेंगे, वरना क्या होता है ना कि एक साथ बहुत सारे मॉडल को हचपच करने से ये भी मॉडल खत्म हो जाएगा और वो भी मॉडल खत्म हो जाएगा, इसलिए आप आज की क्लास को करते हैं खत्म, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।